बोरीवली बेस्ट औरा होटल के सामने एमएचबी कॉलोनी में दिगंबर जैन समाज हेतु शांति दीक्षा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। श्री 1008 आचार्य विभव सागर महाराज साहेब के सानिध्य में दिगंबर जैन समाज के लोगों हेतु यहां पर यह शांति दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस संबंध में भरत शाह ने बताया कि दिगंबर जैन समाज के लोग आचार्य श्री विभव सागर महाराज साहेब का दर्शन एवं आशीर्वचन का लाभ उठाने हेतु भारी संख्या में यहां पर भक्तगण उपस्थित हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान महाराज साहेब ने देशवासियों को अपने आचरण में अहिंसा को आत्मसात करने एवं पर्यावरण को बचाने हेतु पेड़ लगाने का संदेश दिया है। पेश एक खास रिपोर्ट। सुमन महेंद्र जी काला दित्य नाम है कोचिंग सुमन महेंद्र जी काला कोचिंग दित्य नाम है ज्योति दीपक जी चांदवार ओम नमः। आज के इस पावन प्रसंग पर मैं इस देश के लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि जीवन में विचारों में अहिंसा को लाइए, आचरण में अहिंसा को लाइए, क्योंकि विश्व की सभी प्रॉब्लम का जो समाधान है वह एकमात्र अहिंसा में निहित है। आज हो या कल, कभी ना कभी शांति के लिए अहिंसा को ही अपनाना पड़ेगा। इसलिए समग्र देश और विश्ववासियों के लिए मेरा संदेश अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति की ओर चले हम। आइए, मैंने इस विश्व के लिए अपने संदेश के रूप में प्रकृति की सुरक्षा मानवता की सुरक्षा है, प्रकृति की सुरक्षा पर्यावरण की सुरक्षा है और देश और समाज की सुरक्षा है, इस उद्देश्य को लेकर एक प्यारी सी कविता लिखी है, जो कविता मैं आपके सामने रख रहा हूं। बहुत प्यारी कविता है और ये पूरे विश्व के लिए काम आएगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर रची गई कविता। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। पर्यावरण भी शुद्ध कहा, पानी पवन पवित्र जहा, नदियां झरने बहे जहा, झुंड हिरण के रहे जहा, पंछी कलरो नाद करे, प्यार भरा संवाद करे, ऊंचे ऊंचे वृक्ष जहा, फल देने को नम्र जहा, वन का दृश्य सुहाना है, पर्यावरण बचाना है। वन का दृश्य सुहाना है, पर्यावरण बचाना है। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। हरे भरे ये सुंदर वन स्वस्थ बनाते हैं तन मन, प्राण वायु दाता ये वन जीवन दाता सुंदर वन। वन है तो हरियाली है, वन है तो दिवाली है, वन है तो सब तरुपतियां, वन है तो सब औषधियां। वन को और बढ़ाना है, पर्यावरण बचाना है। वन को और बढ़ाना है, पर्यावरण बचाना है। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। क्यों बांध से बादल आते जाते हैं, वन से बादल आते हैं, बादल जल बरसाते हैं, जल पर्वत पर गिरता है,
तब ही झरना झरता है जड़ी बूटियों से मिलकर शुद्ध रसायन में घुलकर जल नदियों में आता है सर्वौषधियां लाता है औषधि वृक्ष उगाना है पर्यावरण बचाना है औषधि वृक्ष उगाना है पर्यावरण बचाना है हमको पेड़ लगाना है पर्यावरण बचाना है सुंदर 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 वन रंग बिरंगे सुंदर वन छाया वाले सुंदर वन जल पल देते सुंदर वन।